To the channel Acharya Ji Online. Please subscribe the channel and press the bell icon. आज जो है राइटिंग इज पोटेंशियल फॉर्म, तो राइटिंग एक्सटेंडेड फॉर्म हम लोग पहले पढ़े थे और उसी एक्सटेंडेड फॉर्म को यहाँ हम लोग को एक्सटेंडेड फॉर्म ही है, उस एक्सटेंडेड फॉर्म को लिखना है पहले से थोड़ा अंतर करके। यहाँ स्टैंडर्ड फॉर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म तो 246 है, 200 प्लस 40 प्लस 6 लिखते हैं और इसको लिखे 200 प्लस 4 इंटू 10 और प्लस 6 इंटू 1। अब 2 इंटू 100 को हम 10 का स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस 4 इंटू 10 टू दी पावर 1 लिख सकते हैं और 6 इंटू 1 को हम 10 टू दी पावर 0। अब जो हमको लिखना है दरअसल में डायरेक्ट हम इसको लिख सकते हैं, जैसे 246 है तो 2 इंटू 10 टू दी पावर 2 अर्थात 2 के बाद कितना डिजिट है 2 है, 10 का पावर 2 हो जाएगा, प्लस 4 इंटू 1 डिजिट है 10 का पावर 1 प्लस 6 इंटू और उसके बाद जो डिजिट है 10 की पावर 0 डायरेक्ट हम लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए लिखना 10 का पावर 2 प्लस 7 इंटू 10 टू दी पावर 1 प्लस 6 इंटू 10 पावर जी, इसी का भी लिखना आप आराम से लिख सकते हैं। तो ये छोटा से हम लोग लिखते हैं। अब डायरेक्ट हम इसी प्रकार लिख दें, जैसे आपका जो क्वेश्चन कहता है उसमें है 2794 और 4 है, इसको एक्सटेंडेड फॉर्म में लिखना है। अब देखिए 1 2 3 4 5 2 के बाद 5 डिजिट है इसलिए 2 × 10 टू दी पावर 5 है, ये प्लस हो गया 7 इंटू अब एक एक जो आपका पावर है उसको घटाते चले जाएंगे 10 टू दी पावर 4 प्लस 9 इंटू 10 टू दी पावर 3 प्लस 4 इंटू 10 टू दी पावर 2 प्लस 0 इंटू 10 टू दी पावर 1 प्लस 4 इंटू 10 टू दी पावर 0। यहाँ हमने 0 × 10⁻¹ लिखा है, आप चाहे तो इसको नहीं भी लिख सकते, 4 × 10² + 4 × 10⁻¹ आप लिख सकते हैं, लेकिन यदि आप ऐसा भी लिखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसी प्रकार एक और उसमें कोई क्वेश्चन देख लीजिए, थर्ड है उसका 2806196 इसको देखिए। यहाँ आप देखते हैं 1 2 3 4 5 6 है तो 2 × 10⁶ प्लस 8 × 10⁵ प्लस 0 × 10⁴ प्लस 6 × 10�³ प्लस 1 × 10⁴ प्लस 9 × 10⁵ प्लस 6 × 10⁻¹ स्टेप को यदि आप नहीं लिखते हैं फिर भी गलत नहीं है, लिखते हैं फिर भी गलत नहीं है, दोनों स्थिति ठीक है। अब इस प्रकार हम लोग जो शेष होगा उसको हम लोग कर लेंगे, एक्सटेंडेड फॉर्म करना है। अब ठीक इसका उल्टा दूसरा क्वेश्चन कहता है फाइंड द नंबर फ्रॉम ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सटेंडेड फॉर्म, जो एक्सटेंडेड फॉर्म है उसको उल्टा रूप में लिखना है। जैसे यही क्वेश्चन पहला आप देख सकते हैं, जैसे 2 × 10⁻² है प्लस 4 × 10⁹ है प्लस और 6 × 10⁹0 है, तो पहले सॉल्व करके देख लीजिए फिर हम डायरेक्ट करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। 2 × 10 का स्क्वायर है तो 10 का स्क्वायर को हम लोग 100 करेंगे तो यहाँ 100 कर देंगे, फिर प्लस 4 × 10 प्लस 6 × 10⁹0 का तो स्क्वायर 1 होता है, और 2 में 100 से मल्टीप्लाई किए 200 प्लस 40 और प्लस 6 सबको ऐड करिएगा 246। या विस्तार से हम बनाए एक्सटेंडेड फॉर्म बनाए जैसे बनाए, डायरेक्ट में हम लिखना चाहेंगे तो कोई परेशानी नहीं होगी। जैसे आपने देखा जो लिखा हुआ है 2 × 10² प्लस 4 × 10⁵1 प्लस 6 × 10⁹0 इसको अगर हमको लिखना है तो पहला जो फर्स्ट डिजिट है हमने 2 लिख दिया। उसके बाद देखिए अगर क्रम ठीक है तो डायरेक्ट आप जिससे जो नंबर है उसको लिखते चले जाइए, कोई परेशानी नहीं। 2 है आप पावर 3 1 है 0 है तो हम इसको 2 4 6 लिख सकते।
या 246 हो जाएगा। अगर मान लीजिए कोई क्वेश्चन हो जैसे 7 इंटू 10 टू द पावर 3 है प्लस 5 इंटू 10 टू द पावर 1 हो और प्लस 7 इंटू 10 टू द पावर 0 है, तो हम यहाँ सबसे पहले 7 ऐसे 7 लिखते हैं, यहाँ 10 का पावर 3 था 3 है, यहाँ 2 नहीं है, इसलिए जो 2 जो पावर नहीं है उसके लिए आप 0 डाल दो, 7 है तो 0 आ जाएगा, फिर 5 आ गया 5 लिख देंगे, फिर यहाँ 7 आ गया, 7,057 हो जाएगा। तो ये विस्तार करके आप देख लीजिए कितना ही आता है और आता है, 7 इंटू 10 का पावर 3 है तो पावर हो जाएगा प्लस 10 का पावर 1 है तो 5 इंटू 10 हो जाएगा प्लस 7 इंटू 10 का पावर 0 है तो प्लस 1 होता है, 7,000 हो जाएगा या 50 और या प्लस 7 आप ऐड करिएगा तो 7,057 आंसर आ जाएगा। इसको ऐसे बनाया फिर भी यही बात है, यहाँ 7,057 है, यहाँ भी 7,057 है, दोनों इक्वल है, तो आप आराम से बना सकते हैं। अब जो अपना क्वेश्चन नंबर 2 है उस पर हम लोग विचार करते हैं, उसमें जो एक्सटेंडेड फॉर्म लिखा हुआ है उसको हमको शॉर्ट फॉर्म में लिखना है, कोई परेशानी की बात नहीं है, आप सब रिसीव है होंगे। तो पहले जो था नंबर को एक्सपेंड करना था, अब जो दिया हुआ है एक्सटेंडेड फॉर्म उसको शॉर्ट फॉर्म या रिड्यूस फॉर्म में हमको लिखना है, जरा हम लिखेंगे। अब उसको जो लिखना है जैसे क्वेश्चन है 8 इंटू 10 टू दी पावर 4 का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है 8 इंटू 10 टू दी पावर 4 प्लस 6 इंटू 10 टू दी पावर 3 प्लस 0 इंटू 10 टू दी पावर 2 स्क्वायर प्लस 4 इंटू 10 का पावर 1 और प्लस 5 इंटू 10 टू दी पावर 0 सामने। इसको यदि आप विस्तार से पहले डायरेक्ट पहले देख लेते कोई परेशानी नहीं होगी, विस्तार से ही मैं समझा दूंगा। फर्स्ट पहले है 8 है इसलिए आप 8 दीजिए, यहाँ पावर 4 था 4 के जस्ट बाद 3 है इसलिए इसको डायरेक्ट लिखना है, इसलिए 0 लेने की आवश्यकता नहीं है, 8 हो गया फिर 6 आया या 3 के बाद पावर 2 है इसलिए फिर 0 आ जाएगा, 2 के बाद फिर पावर 1 है फिर 4 आ जाएगा और इसके बाद 0 है इसलिए 5 डायरेक्ट है, इसका आंसर आ रहा है 86,045। अब इसको आप जरा विस्तार से देख लीजिए कैसे हुआ उतना करते हैं फिर भी उतना ही आएगा, 8 इंटू 10 टू दी पावर 4 है 8 इंटू क्या हो जाएगा 10,000 प्लस 6 इंटू 1000 प्लस 0 0 इंटू 100 प्लस 4 इंटू 10 प्लस 5 इंटू 1 10 का पावर 0 1 होता है तो मल्टीप्लाई करिएगा 8 में 10,000 से मल्टीप्लाई किए 80,000 हो गया 80,000 प्लस 6,000 प्लस 0 में 100 से गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा प्लस 40 हो जाएगा प्लस 5 सबको ऐड कर दीजिए 80,000 और 6,000 86,000 45 86,000 45 100 नहीं है इसे 0 है 45 86,000 45 यहाँ आया था आप देख रहे हैं डायरेक्ट भी आप लिखते हैं कहीं कोई परेशानी नहीं होने वाली है। इसका ए मैंने बता दिया, एक और मैं देखता हूं टू का डी देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 2 का डी है इसमें डायरेक्ट नहीं है, इसमें कुछ जो पावर है नहीं दिया गया है तो इसको देख लीजिए, टू क्वेश्चन नंबर डी है कहता है 9 इंटू 10 टू दी पावर 5 पावर 5 प्लस 2 इंटू 10 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 10 टू दी पावर 1 सामने। तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं क्योंकि शुरुआत में कहीं कोई परेशानी की बात नहीं, जो फर्स्ट है उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं, 9 हो गया, 5 के बाद 4 वाला पावर नहीं है इसलिए उसके लिए 1 0, फिर 4 के बाद 3 भी नहीं है इसके लिए भी 0 वाला है इसलिए पहले जो डिजिट है वो लिख दीजिए 2, फिर 2 के बाद 1 वाला है इसलिए 2 के बाद हो जाएगा 3 और 3 के बाद फिर 0 वाला नहीं है इसलिए इसके बाद दिया जाएगा, या विदाउट
हम लोग पूरा निकाले में इसका सॉल्यूशन इतना लिखे और वास्तविक में जो लिखे वह सही है या गलत इसकी भी जांच आप कर लीजिए। तो इसको हम लोग आगे बढ़ते हैं। 9 * 10 टू द पावर 5 आ रहा था, 1 और आप हो जाता 1 पर 5 जीरो डाल देंगे प्लस 2 * 100 और प्लस 3 * 10 और 9 में 1 लाख मल्टीप्लाई किया 9 लाख हो गया और 200 से गुणा किया मल्टीप्लाई किया 200 3 में 10 से मल्टीप्लाई किया 30 हो गया। सबको ऐड कर दीजिए, ऐड जो करते हैं तो जैसे यहां 9 लाख है 9 लाख है 200 इसे लिखते हैं तो 200 30 है 30 यहां लिख दिया सबको ऐड कर दीजिए तो 0 3 2 0 0 9 9 0 0 0 900230 जो कि आप सॉल्यूशन दिए हैं यहाँ डायरेक्ट हम लोग दिए थे तो 900230 इस प्रकार हम लोग कर सकते हैं, परेशानी आपको नहीं होनी चाहिए। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं जो कि यह है स्टैंडर्ड फॉर्म। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में हमको लिखना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में ध्यान देना है हमेशा वन डिजिट के बाद डेसिमल रहना चाहिए। जैसे मान लीजिए कोई दूसरा क्वेश्चन है स्टैंडर्ड फॉर्म का तो हम लोग राइट की स्टैंडर्ड फॉर्म है स्टैंडर्ड फॉर्म जैसे 4.5698 कितना है इसका स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो डेसिमल 4 के बाद होना चाहिए। तो यह जो डेसिमल है वह 1 digit 1 1 1 2 2 digit लेफ्ट की ओर जाता है। जब भी डेसिमल लेफ्ट की ओर जाता है तो जो पावर होता है 10 का पावर जो लिखते हैं वो पॉजिटिव होता है और जब डेसिमल को हमको राइट हैंड की ओर ले जाना पड़ता है तो पावर को नेगेटिव में लिखता है। जैसे दोनों तरह से इसको समझ लेंगे तो यहाँ डेसिमल है तो 2 digit पहले हम ले जा रहे हैं यहाँ 4.5698 लिखा इनटू जो भी 2 digit गया है 10 to the power 3 या डायरेक्ट अपना यहाँ है इससे पहले जीरो है तो वन डिजिट जरूर लेकिन जीरो है तो
जीरो के बाद से कोई लेना देना नहीं है, 1 to 9 का डिजिट आना चाहिए, या तो 1 हो 2 हो 3 हो 4 हो 5 6 7 8 9 इसमें से कोई हो, जीरो का कोई वहां बचत नहीं है। आप नहीं कह सकते कि अच्छा यहाँ 1 के बाद आए या स्टैंडर्ड फॉर्म ऐसी बात नहीं है, या जो डेसिमल होगा वो स्केलर के बाद जाएगा। तो जब राइट हैंड की ओर जाता है तो मैंने बताया था कि पावर क्या होता है, माइनस में हो जाता है। कितना राइट हैंड जाएगा, 1 2 3 4 5 दिन जा रहा है, 7.63 × 10⁻¹⁵ है पावर हो जाएगा माइनस। अब कहिएगा कि अच्छा दिया, 0 0 था आपने नहीं दिया, क्योंकि डेसिमल से पहले अगर 0 0 है तो देने की बहुत आवश्यकता नहीं है, जैसे एक बार देकर उसको हटा भी सकते हैं। आप कह दीजिए 0 0 0 1 2 3 4 5 3 4 5 7.63 × 10⁻¹⁵ है पावर 5 हो जाएगा। अब चूंकि इससे पहले जो 0 था कोई वैल्यू नहीं है, इसलिए 7.63 × 10⁻¹ -5। तो इस प्रकार अगर पहले 0 वाला है तो अगर राइट हैंड की ओर हम डेसिमल को ले जाते हैं तो पावर माइनस के लिखेंगे, अगर लेफ्ट हैंड की ओर ले जाना पड़ता है तो पावर को प्लस ले लेते हैं। तो हम लोग जरा क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 3 का, और हम क्वेश्चन नंबर 3 पर देखते हैं, एग्जांपल के तौर पर देखे थे, क्वेश्चन देखते हैं। उसमें कहता है जैसे कि क्वेश्चन है 5.00, फिर है 0.00, अर्थात आप देख रहे हैं यहाँ डेसिमल यहाँ है, हमको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। मैं बार बार कहता हूँ कि 1 के बाद चाहिए, अर्थात 5 के बाद चाहिए, तो 5.1 × 2 3 4 5 6 7 0 0 0 3 4 5 6 7 × 10⁻¹ कितना पीछे आया है, 1 2 3 4 5 6 7 आया है, 10⁻¹ होगा। अब चूंकि डेसिमल के बाद जो जीरो है उसमें कोई वैल्यू नहीं है, तो या तो आप ऐसा भी लिख देते हैं कोई परेशानी नहीं है, तो भैया अगर 5 × 10⁻¹ भी लिख देते हैं तो कोई परेशानी नहीं है, कोई हो सकता है 5.0 करके भी लिख देते तो परेशानी नहीं है, इसलिए यह भी सही हो सकता है, यह भी सही है, यह भी सही। इसलिए थोड़ा ध्यान देंगे, या 3 का एक था प्रकार, एक और देख लीजिए इसमें 6 है, एक के बाद फर्स्ट के बाद क्या है 6 है, 6 में क्वेश्चन है 3908 इसको स्टैंडर्ड फॉर्म करना है। आप देख रहे हैं डेसिमल यहाँ है, डेसिमल आपको लेफ्ट की ओर लाना है, 1 डिजिट लाएंगे, 2 3 3 डिजिट के बाद डेसिमल आएगा, 3.90878 × 10⁻¹ अब कुछ लोग कहीं कभी क्या करते हैं, हमारे कुछ भैया बहन कहते हैं कि अच्छा जी आप ही बोले थे कि डेसिमल के बाद अगर 0 हो लास्ट में 0 हो तो उसमें कोई वैल्यू नहीं है, तो कभी कभी क्या करते हैं लिखते हैं 3.9878 × 10⁻¹ ऐसा अगर आप लिखते हैं, इसके पहले भी डिजिट है और बाद में भी डिजिट है, वैसी स्थिति में 0 को नहीं हटाना चाहिए, यदि आप इस प्रकार हटा देते हैं तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, इसलिए ऐसा नहीं करना है, इसका ख्याल करेंगे। अब तो फ्रेज जो है राइटिंग स्टैंडर्ड फॉर्म, इसमें भी अब कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 में भी वही स्टैंडर्ड फॉर्म है, वह जो स्टेटमेंट है उस स्टेटमेंट को स्टैंडर्ड फॉर्म में कर देना है, अर्थात द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून, द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून जो दिया हुआ है उसको भी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देना है। उसी प्रकार तो आप लिख देंगे डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून मून इज इक्वल टू 384.000.003 या लिखा हुआ है इसको हमको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देना है, तो द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून इज इक्वल टू 3.84000000
Many thanks. See you next video.